नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि पता है, मैं पर डे एक स्टॉक चुनता हूं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको एक महीने होल्ड करने का समय होता है। तो फिलहाल पहले हम करते हैं कि पिछले महीने जिस स्टॉक को खरीदा गया उसकी स्थिति क्या है। तो मित्रों, पिछले महीने आज ही के दिन जिस स्टॉक को चुना गया था वो स्टॉक था TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, टाटा ग्रुप की कंपनी आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, और मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए मित्रों तो इस समय भारत की दूसरे नंबर की कंपनी है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरे नंबर पर TCS है। इनके बीच में काफ़ी दिनों से देखा जाए तो टसल चल रहा था, लेकिन TCS पीछे हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री काफी आगे चली गई। तो पिछले महीने जब खरीदा गया था मित्रों तो उस समय 2200 रुपये के भाव पर था, 2220-25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज जो है 2170 रुपये पे क्लोज हुआ है, 47 रुपया गिर करके 2.2% गिरा है। उस हिसाब से देखा जाए तो यह शेयर घाटे में है, लगभग 2-3% का घाटा है, फायदा नहीं हुआ है। तो इस शेयर को आज बेच देना है मित्रों, और इस शेयर को बेचने के उपरांत एक नया शेयर बताने जा रहा हूं, उसमें पोजीशन बनाना है। सबसे बड़ी चीज क्या है मित्रों कि मैं पर डे एक स्टॉक चुनता हूं, तो महीने में देखा जाए तो लगभग 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, और एक महीने होल्ड किया जाए यानी 20-22 ट्रेडिंग सेशन तक होल्ड किया जाए या उसके थोड़ा सा और आगे तक चला जाए, तो आसानी से मेरा अपना मानना है कि 8-10% का रिटर्न मिल जाना चाहिए। अभी तक मिलता आ रहा है, और जो भी हम बता रहे हैं उसमें 70 से 80% लगभग टारगेट हिट होते हैं। तो उसमें से 20-22 में से 14-15 जो में ऑर्डर होते हैं वो पॉजिटिव बंद होते हैं, और 7 और 8 जो ऐसे ऑर्डर होते हैं जो निगेटिव बंद होते हैं। तो हमें पॉजिटिव पे ध्यान देना है, और नेगेटिव जो होता है फिर उसको हम बदल देते हैं। तो TCS को बेच देना है, और TCS बेचने के बाद जिस स्टॉक को आज लेना है मित्रों वो है अवंती फीड्स। अवंती सीड्स आज देखा जाए तो मित्रों 689 रुपये पे बंद हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से 4.6% गिरा है, और रुपए में देखा जाए तो 33 रुपया 55 पैसा गिरा हुआ है। इसका यदि हम रिटर्न देख लेते हैं पीछे का रिटर्न मित्रों, तो इसका एक सप्ताह में 12% का रिटर्न है, एक महीने में 20% का रिटर्न है, 3 महीने में 68% का रिटर्न है, 6 महीने में 119% का रिटर्न है, और 1 साल में 83% का रिटर्न है, 2 साल में लगभग माइनस निगेटिव 15% का रिटर्न है, और 5 साल में सॉरी 550% का रिटर्न है। देखा जाए मित्रों तो यह बहुत ही स्ट्रांग शेयर है, बहुत बेहतरीन शेयर है, स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, और प्रचंड फॉर्म में इस समय चल रहा है। तो इस लेवल पर खरीदा जाए तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा खासा रिटर्न एक महीने के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एक महीना से पहले ही इसमें 8 से 10% का रिटर्न प्राप्त हो जाना चाहिए। फिलहाल और आगे हम देखते हैं मित्रों, तो यदि इस शेयर के बारे में जानते हैं मित्रों तो यह जो है मछलियों के पालन और कई तरह की उन सब चीजों में काम करती है। ये 9,416 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, अर्थात मिड कैप कंपनी है। पीई इसका 26.66 है, इंडस्ट्री पी 82.38 है, था देखा जाए तो इंडस्ट्री पी की तुलना में काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 99 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.97 है। डिविडेंड यील्ड 0.58% है। रिटर्न रेशियोज को जरा देख लेते हैं मित्रों, तो आरओई 27.39, आरओसीई 38.40, और रिटर्न ऑन एसेट 19.51। ये रिटर्न रेशियो हमेशा
ऐसे रिटर्न रेशियो आकर्षक होते हैं। अपने शेयर चुनने में जब भी रिटर्न रेशियो को देखा जाए तो सब आरओई और आरओसी कम से कम 15% के ऊपर तो होना ही चाहिए। और देख लेते हैं मित्र, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो यदि हम आप इसका देख लेते हैं तो डेप्ट इक्विटी 0.01%, यानी बिल्कुल देखा जाए तो डेप्ट नगण्य है। और देखते हैं मित्रों इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया जाए तो प्रमोटर के पास 43% स्टेक है, पूरा का पूरा इंडियन प्रमोटर है जिसमें एक भी शेयर प्लेज नहीं किया गया है। और थोड़ा सा देख लेते हैं मित्रों इसको, यदि आप इसका देखेंगे 52 का हाई देखेंगे तो 52 का हाई 770 रुपया बना है। और कब बना है ये 770 रुपया बना है मित्रों? 17 जनवरी 2020 को, अर्थात ये जो बना है ये पिछले जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसी दिन बना था। और वहां से देखा जाए तो 690 अर्थात 80 रुपया नीचे है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 10% बनता है। ये जो 10% का गैप है बहुत जल्दी ही भरना चाहिए, बहुत जल्द भरेगा। इसका मूविंग एवरेज देख लिया जाए तो 200 दिन का मूविंग एवरेज 411 है, 100 दिन का 470 है, 50 दिन का 562 है और 20 दिन का 622 है, यानी सभी मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल प्रचंड फॉर्म में है मित्रों, ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस शेयर को खरीदना चाहिए। पिछले 1-1.5 महीने में आप देखेंगे मित्रों तो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में बिल्कुल आग लगी हुई है। एक तरफ जहां निफ्टी और सेंसेक्स का जो रिटर्न है मुश्किल से 3 या 4% चल रहा है, वहीं निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप का 12-12, 13-13% रिटर्न हो रहा है। अभी तक उल्टा होता था, निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न ज्यादा होते थे और मिड कैप और उसके स्मॉल कैप के निगेटिव होते थे या कम होते थे, लेकिन अब जो है मिड और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो ये जो रैली शुरुआत हुई है मित्रों मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी की, मुझे लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल चलना चाहिए, यानी 2023 में जाकर के इस सेगमेंट में पुनः गिरावट जो 2018 में आई थी उस तरह की गिरावट दिखनी चाहिए। तब तक 3 सालों तक पार्टी जबरदस्त चलेगी मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी की। मिड स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स हैं मित्रों, जो क्वालिटी बिजनेस है, क्वालिटी स्टॉक्स है, जिसको लेकर के पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। यदि हम वो नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का। कोई भी एक या दो स्मॉल कैप या एक मिड कैप SIP ले लें, मिनिमम 500 रुपये से SIP किया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हमको करना ही चाहिए। मेरा अपना मानना है सबसे अच्छा है स्टॉक चुनकर इन्वेस्टमेंट करना, यदि स्टॉक चुन नहीं सकते तो फिर म्यूचुअल फंड का सहारा जरूर लेना चाहिए और निवेश में स्मॉल मिड कैप का हिस्सा जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।